यार वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्रिप था। बच्चा स्पॉटेड हो गया, वैसे वो वापस चला गया, वीडियो बना रहा था। मुझे अब पता लगा कि वाई अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स आर द बेस्ट वन। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार वो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब बटन अब तो कुछ नहीं होता, कितने थोड़े पैसे लग जाते। वीडियो पूरी वेख्या करो, एंड तक वेख करो। मैंने पता है तुम वीडियो नहीं देखते तुम मेरी ना, मैंने पता लग गया। यार जल्दी नाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कर लो सब्सक्राइब। कुछ नहीं होता, बिल नहीं आता। तुम वीडियो शुरू तो देखते हो, एंड तक देखते नहीं हो। एंड तक जाकर कहना मैं बिल पा देना, कोई बिजली वाली तारा ला देनी थोड़े नाल, और वीडियो देख लिया करो यार। कुछ नहीं होता, बाद में वीडियो देखनी, मेरी वीडियो देख लो यार, की होने लगा तुम। यार मैं बताने लगा हूँ, लास्ट मंथ जो है मैं गया था ट्रिप पे, वो बताने का मेरा टाइम ही नहीं लगा। वो बिल्कुल ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आज। यार वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्रिप था, हम तीनों एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि हम अकेले वहाँ तक मरी तक जाएंगे। कि यार जिनके घर वाले बाजार तक अकेले नहीं जाने देते, वो जनाब साहब मरी से होके आ गए। यार मैं आपको सुनाता हूँ सारी कहानी कैसे ये शुरू हुआ। असल में ना अबसार का, जो हमारे साथ अबसार गुड़ाया वो पढ़ने वाले चिकना सा बच्चा, उसका था पेपर। यूनिवर्सिटी में तो हम इकट्ठे पढ़ते, लेकिन उसने कहीं और अप्लाई किया हुआ था, उसका पेपर था। तो मेनली हमारा था लाहौर का, हमने लाहौर जाना है, वहाँ हफ्ता रहेंगे, याशी करेंगे, याशी करके वापस आ जाएंगे। खुली याशी, खुला पैसा, पैसा मिला था खुला। उस्मान साहब का आप क्लिप देख सकते हैं कि पैसा कहाँ से मिला था हमें। पूरा करने जा रहे तो हम यहाँ से निकले भाई लाहौर। लाहौर जाते हुए हमारे साथ हो गया एक सीन मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, मैंने ब्लॉग में भी नहीं बताया था, वो कुछ पर्सनल मामलात होते हैं। लेकिन यकीन माने उसके बाद हमारे सामने पड़ा खाना हमारे मुंह से ना उतरे, और फिर हमें समझ लगी। हम कहते थे यार, लोग कहते हैं सामने पड़ा खाना खा नहीं सकता बंदा, ऐवें मारते हैं ऐवें मारते हैं। उस दिन हमें सही मतलब पता लगे यार, वाकई सामने पड़ा हुआ खाना नहीं खाया जाता। और गए हैं वहाँ पे एक दिन, हमारा वैसे इरादा था कि लाहौर जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन लाहौर गए हैं। लाहौर जाके अब सार भाई ने देना था पेपर, तो उसने पेपर दिया। बच्चा स्पॉटेड हो गया, वैसे वो वापस चला गया, वीडियो बना रहा था। तो उसने पेपर दिया। हमारा हल्का ना सरसरी सा इरादा था कि अगर उसका पेपर पास हो गया फिर हम लगते हाथ इस्लामाबाद से हो आएंगे, अगर ना हुआ तो फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन उसने तो कहा भाई यहाँ से वापस चलो। अनफॉर्चुनेटली भाई का पेपर पास नहीं हुआ। हमने कहा चलो घर चलते हैं, फ़ायदा कोई नहीं रहने का, इस्लामाबाद जाना कोई नहीं हमें। तो गाड़ी की करवानी थी डिटेलिंग, तो ये लोग ना गए हैं गाड़ी की डिटेलिंग करवाने सुबह 8 बजे लाहौर में ना, तो वो उन्होंने गाड़ी देनी थी अगले दिन शाम को ना, क्योंकि वो 24 घंटे लेते हैं डिटेलिंग के लिए। तो भाई साहब वो गए हैं दोनों, और अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे ने डिटेलिंग करनी थी वो मिला ही नहीं है। 2-3 जगहों से पता किया लेकिन डिटेलिंग अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं सकी, तो डिटेलिंग वाला बंदा ही नहीं मिला। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डिटेलिंग भाई साहब नहीं हुई, आप आ जाएं वापस। मैंने कहा आ जाओ यार वापस, चलते हैं फिर घर निकलते हैं। मैं तैयार शुरू होकर बैठे हुए थे, कपड़े शपड़े पहने हुए थे, ये आए आके उस्मान साहब ने कहा भाई यार छोड़ो यार इस्लामाबाद चलते हैं। भाई साहब सामान डाला गाड़ी में और सीधी मोटर पे बैठा दी गाड़ी, हम वहाँ से निकल गए इस्लामाबाद के लिए। भाई साहब बड़ा मज़ा आ रहा है। वहाँ से हम निकले हैं, तो फिर वहाँ से हम इस्लामाबाद पहुँचे ऑलमोस्ट शाम के 4-5 बजे। सुबह निकले थे 10 बजे और 4-5 बजे इस्लामाबाद पहुँचे लाहौर से। सफ़र तो थोड़ा सा, लेकिन रास्ते में रुकते भी रहे हैं और बस सुकून सुकून से गए इन्जॉय करते हुए। भाई साहब पेट्रोल ने इस कदर मजबूर कर दिया कि बंदा मोटर वे पे होते हुए भी मीटर डाउन नहीं कर सकता था गाड़ी का। तो भाई साहब बजट हमारा पहले लिमिटेड सा था, 2-3 बार रास्ते में स्टे किया, 4-5 बजे पहुँचे। वहाँ से हमें आगे से बर्गर रिसीव किया हमारा दोस्त अब्दुल्ला, उसका नाम है, प्यार से हम उसे बर्गर कहते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद ही है ना आखिर आफ्टर ऑल। बर्गर अगर तो ये वीडियो देख रहा है ना, तूने अच्छा नहीं किया था हमारे साथ। वैसे बर्गर ने हमारे साथ की ज्यादती हमें, यार मैं नहीं बता सकता यार, वो फिर लड़ेगा वीडियो में आके, लड़ेगा मेरे साथ कमेंट में। तो उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। 2 दिन उसने हमें इस्लामाबाद घुमाया, हमारा स्टे था होटल में, और बर्गर को इस्लामाबाद में रहते हुए नहीं पता था कि यहाँ पे होटल कौन सा अच्छा। हमने खुद अपनी मेहनत करके वहाँ पे होटल ढूंढा थे। 2 दिन हमारा वहाँ पे स्टे था होटल में, मतलब एक दिन था कि हम घूमेंगे अगले दिन शाम को वापस चले जाएंगे घर चले जाएंगे ना। एक दिन घूमे हैं, 2 दिन घूमे हैं वहाँ पे, और फिर 3रे दिन हमने सोचा कि अब पक्का घर चले जाना है। तो रोज़ हम सुबह चेकआउट का सीन बनाते थे, लेकिन वो शाम को वापस आते थे, वो चेक इन हुआ होता था। इस्लामाबाद में 2 दिन घूमने के बाद 2रे दिन हमारे दोस्त का फ़ोन आया, हम वाक एंड से, वो यूनिवर्सिटी का फैलो था, उसने कहा भाई मेरे पास लाजमी होकर जाना है। हमने बर्गर को साथ लिया और वाक एंड गए, वहाँ से कानपुर डैम गए हैं, वहाँ से सारा दिन वो घूमे हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से इन होके एबटाबाद हर जगह वहाँ से होके
फिर वापस वाह कंड क्योंकि हमारी गाड़ी वाह कंड खड़ी थी और हम दोस्त की गाड़ी पे सिविक पे हम गए थे वहाँ पे ना वहाँ के खानपुर डैम जाते जाते रात हो गई, जब किस्मत साथ ना दे यार सब कुछ ख़राब हो जाता है। लेकिन वो जो खानपुर डैम का ग्राउंड था ना, जहाँ पे पहले गाड़ी चढ़ी लोग खड़ी करते थे आके पार करते थे, वहाँ तक पानी आ चुका था। अब आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं था, रात हो चुकी थी पहले। व्लॉग भी आप लोग मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे 8 बजे वहाँ पर पहुँचने का। उसके बाद वहाँ से आए हैं, खाना शाना खाया, वहाँ के मशहूर चप्पल कबाब हमने खाए हैं, खा के फिर वहाँ से इस्लामाबाद निकले। रात को तकरीबन वहाँ से निकले हम 10 को बजे निकले और 11 को बजे हम वहाँ से इस्लामाबाद पहुँच गए थे एक घंटे में। जुमा था उस दिन, मुझे याद है हमने गाड़ी जो है डिटेलिंग के लिए दी थी जुमे के दिन सुबह 8 बजे हम दिए थे डिटेलिंग के लिए। 8 बजे उठ गए वैसे यार, बड़ा हौसला था हमारा। 8 बजे उठ गए डिटेलिंग के लिए, 4,000 में डिटेलिंग की कसम से, इतना मतलब 4,000 के हिसाब से बहुत अच्छी थी। 6 घंटे में गाड़ी हमने वापस कर दी। जिस अंकल के साथ हम गाड़ी दे के वापस आए थे ना ऊबर वाले के साथ, उसने कहा यार तुम लोग इस्लामाबाद आए हो और मरी नहीं गए, तो कहीं तक कोई फ़ायदा नहीं तुम लोगों के यहाँ आए तक आएगा। हम जहन थे, उन्होंने हमारा जो था ना, मैंने प्लेट कर दिया था, हम हो चुके थे खुद ही। हमारा अनएक्सपेक्टेड था ना, मैं सरसरी सर आता बन गया था कि शाम को मरी चक्कर लगा लेंगे ना, तो वापस आए आके सो गए। सो के उठे, जुमा शुमा पड़ा है और फिर उसी अंकल को कॉल किया, उसने हमें पिक करके वहाँ से फैसल मॉल के गाड़ी तक हमारे तक छोड़ा है, जहाँ पे गाड़ी डिटेलिंग के लिए थी वहाँ से निकले। और मैंने कहा यार होस्ट अभी होटल जाएंगे, वहाँ से कपड़े शपड़े या जूता शूता चेंज करेंगे, कपड़े तो पहने हुए थे, खैर जुमा पड़ा था तो कपड़े हमारे ठीक थे, जूता शूता चेंज करेंगे, पावर बैंक वगैरह उठाएंगे, यार वीडियो व्लॉग श्लॉग बनाना था, बैटरी ख़त्म हो जाती है फ़ोन की। मरी के लिए निकले हैं और अभी एक्सप्रेस वे पे ही थे, बारिश स्टार्ट हो गई, मौसम बड़ा मज़े का हो गया था। 5:30 मरी पहुंच गए थे और हमने सोचा था कि 8-9 बजे हम निकल लेंगे यहाँ से, थोड़ा वहाँ देखो था वहाँ GPO वगैरह है और एक माल रोड है वो घूमने वाला। हम वहाँ पे घूम रहे थे, 8 बजे हमने खाना छाना खाया, वहाँ से खाना छाना खा के हमारा प्रोग्राम बनाया कि हम एक बार फिर ना हमारा बन गया प्रोग्राम के रुक जाए यहाँ पे रात के लिए और सुबह नतिया गली होकर फिर वापस चीता घर निकल जाएंगे। लेकिन नहीं बन सका प्रोग्राम क्योंकि होटल में चेक इन थे हम पहले ही और वहाँ का रेंट भी हमें पड़ रहा था और मरी का अलहदा से पड़ जाना था। मरी से हम निकले हैं तकरीबन 10-11 बजे, हम वहाँ से मरी से निकले, आने का दिल ही नहीं कर रहा था, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था यार, ठंडी ठंडी हवा के इसका दिल करता है छोड़ के आने को। तो खैर निकले वहाँ से 11 बजे और 1:30-12 बजे हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद अब रात सोया, सुबह उठे हमने कहा सुबह उठते सारा 8 बजे हमने ना 9 बजे निकल जाना है यहाँ से घर के लिए। 12 बजे हम उठे, 12 बजे उठ के वहाँ से नाश्ता वाश्ता किया ना, चेकआउट हम कर चुके थे वहाँ से और सारा दिन हमें इस्लामाबाद घूमे, मोनामेंट घूमे, जो जो चीज़ें वहाँ पे रहती थी हमारी घूमने वाली वो घूमे थे। तकरीबन हम इस्लामाबाद से निकले हैं फिर, क्योंकि 10:30 निकले थे और 2:30-3 बजे तक हम पहुँच गए थे इस लाहौर ना। अब लाहौर से हमारा माइंड था कि हम सुबह 2-3 घंटे सोते हैं, 6-7 बजे है वो निकल लेंगे। लाहौर से हम उठे हैं 10 बजे 11 बजे बल्कि उठे हैं और जैसे उठे थे सारा सामान उठाया गाड़ी में डाला, वैसे बिल्कुल 1 मिनट के लिए मैं वहाँ पर रुके, नाश्ता भी पर वहाँ से नहीं किया, हमने कहा रास्ते से कुछ अब ले लेंगे खाने के लिए। तो घर आते हुए भाई साहब रास्ते में हमने खाना छाना खाया, डिनर और लंच हमने एक साथ ही किया और फिर भी हम पहुँचे थे शाम के 7 बजे हम घर पहुँचे थे, क्योंकि 6 घंटों का सफ़र तो वैसे था लेकिन 1-2 घंटे हमारे ऊपर लग गए क्योंकि रास्ते में रुकते रहे। और मुझे अब पता लगा कि वाई अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स आर दी बेस्ट वन, या अगर आपका ट्रिप प्री प्लान होता है तो फिर बंदे को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, पता यार वहाँ यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना, और जब बंदा चलता जाए चलता जाए चलता जाए एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि यहाँ पे जाना है, तो यार मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है यकीन माने। आप अगर आप में से किसी ने अनएक्सपेक्टेड ट्रिप हमारी तरह किया तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए, और आप लोगों का क्या ख्याल है अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स के बारे में मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है यार, मैंने आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जो हमारे ट्रिप का था, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें यार, सब्सक्राइब कर लें, 1,000 सब्सक्राइबर्स हमने पूरे करने हैं, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ यार मैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।